अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के 3 दिवसीय 61वें प्रांत अधिवेशन का रविवार को समापन हो गया। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर राजशरण शाही, प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे, प्रांत मंत्री सौरभ गौड़ सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के 61वें प्रांत अधिवेशन के समापन कार्यक्रम में आने पर मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि मुझे गोरक्ष प्रांत के अधिवेशन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन माँ भारती के लाल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर क्रांतिकारियों की धरती है। स्वाधीनता का बिगुल फूंकने में इन सभी क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरक्ष प्रांत से प्रारंभ हुआ स्वतंत्रता आंदोलन देश के अन्य इलाकों में फैला। सीएम योगी ने कहा कि देश आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला यह अमृतकाल ऊर्जा का काल है। यह ऊर्जा नए भारत के निर्माण की व आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने की ऊर्जा है। आज भारत के प्रति संपूर्ण विश्व का भाव बदल चुका है। संपूर्ण विश्व भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। जिस मुद्दों को लेकर एबीवीपी की स्थापना हुई वह सपना आज साकार हो रहा है। आज भारत का मुकुट कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। वर्षों से विवाद का विषय रहा श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारत को पहचान देने वाले योग को आज संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया है। भारत को पहचान दिलाने वाले कुंभ को यूनेस्को ने मानवता के अमृत सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता दी है। अब काशी शकरी और तंग गलियों से मुक्त होकर दिव्य और भव्य काशी के रूप में स्थापित हो रहा है। पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश के वस्तुओं की एक अलग पहचान बन गई है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए समाज में कार्य किया है। उन्होंने आह्वान किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य लोगों को शासन की योजनाओं से अवगत कराने का कार्य करें, जिससे समग्र और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। शक्ति प्रकटाए भारत माता की जय। वंदे वंदे ज्ञानशील एकता संदे के आनंद की विवेकानंद की विवेकानंद की वंदे जिंदाबाद। गांव गांव हम जाएंगे स्वास से जोड़ेंगे भारत माता की जय। विद्यार्थी परीक्षक जिंदाबाद। विद्यार्थी परीक्षक जिंदाबाद। छात्र शक्ति। अब मैं मन संचालन हेतु प्रांत में बतौर प्रांत अध्यक्ष मैं संपूर्ण गोरक्ष प्रांत चार भी त्याग दो, बस दो बातें याद रखो, केवल राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र से प्रेम। गोरक्षनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ पंथ की सर्वोच्च सिद्ध पीठ के श्री गोरखनाथ मंदिर के गोरखपुर के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी इस समय मंच पर बतौर मुख्य अतिथि विराजमान है। आप श्री गोरक्ष पीठ द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत लगभग 4 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण चिकित्सा सेवा संस्थानों के प्रबंधक अध्यक्ष और मार्गदर्शक हैं। डॉक्टर राजशरण शाही जी से आग्रह करती हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भारत मानवता का नायक
भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, सदियों से था युगों रहेगा, सदियों से था युगों रहेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। आज हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि मुझे आपके इस प्रांतीय अधिवेशन के समारोह कार्यक्रम में आपके साथ संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। त्रिदिवसीय आपका गोरखपुर का यह प्रवास, एक दूसरे को समझने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विचार परिवार के द्वारा सम विषम परिस्थितियों में जिस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया गया, इसके बारे में जानने, गोरखपुर के भौतिक विकास के कार्यों को आगे बढ़ते हुए देखने और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक युवा के रूप में आपकी अपने प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उन सब बातों को समझने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय अधिवेशन का यह समारोह है। आज ही के दिन 1927 में काकोरी कांड के महानायकों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्पाउल्लाह खां को फांसी की सजा हुई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में फांसी की सजा हुई थी। अस्पाउल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी की सजा हुई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को काकोरी कांड में ही 17 दिसंबर 1927 को, यानी सजा होनी थी 19 दिसंबर को, लेकिन दो दिन पहले ही गोंडा की जेल में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए, लेकिन एक मुखबिरी के कारण वह अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए बाद में वीर गति को प्राप्त हुए। तो स्वाभाविक रूप से गोरखपुर उन क्रांतिकारियों की भूमि भी है जिन्होंने देश की आजादी के लिए, हम सब जानते हैं 1857 की क्रांति की बिगुल को फूंकने वाला कोई क्षेत्र रहा है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की गोरख प्रांत की उसमें अग्रणी भूमिका रही। चाहे वह बलिया हो या गोरखपुर में बंधु सिंह के नेतृत्व में प्रथम स्वतंत्र समर में हुआ योगदान रहा हो, या फिर देश के अलग अलग क्षेत्रों में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, या मेरठ में, या देश के अलग अलग क्षेत्रों में यह देश कभी रुका नहीं। और जब प्रांतीय अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हो रहा है तो गोरख प्रांत में चोरी चोरा गोरखपुर जनपद के अंदर ही चोरी चोरा में 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना, यहां के किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां के मजदूरों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने के लिए इसे गोरखपुर की जनधरती से देश की आजादी के लिए इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया था। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश आज एक आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव का आयोजन 75 वर्षों की यात्रा को आत्मावलोकन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। और अमृत महोत्सव का महत्व तो इसलिए भी है कि अमृत महोत्सव के इन 75 वर्षों में भारत ने कितनी यात्रा प्रारंभ की, जो सपने देखे गए थे भारत के महापुरुषों ने,
देश के उन अमर सपूतों ने कि आजाद भारत होगा। सोचिए, जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा हो रही होगी, उस समय उम्र क्या थी उनकी। ठाकुर रोशन सिंह को जब नैनी इलाहाबाद की जेल में फांसी की सजा हो रही थी, उनकी उम्र क्या थी। लेकिन एक जज्बा था, वे जानते थे अंग्रेजों के बारे में। उस समय भी एक कहावत थी कि इनका सूरज कभी अस्त नहीं होता। लेकिन इस क्रांति की लौ ने और क्रांतिकारियों के जज्बे ने अंग्रेजों के सूरज को ऐसा अस्त कर दिया कि देखते ही देखते यह देश स्वाधीनता की उस सुगंध के साथ, जिसमें हम सबको जीने और अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप युवा हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी छात्र संगठन से जुड़ने का अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। जब गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हो रही थी, उस समय उनसे पूछा गया कि अपनी अंतिम इच्छा बताओ। उसने कहा, मेरी इच्छा तो एक ही है कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। यानी उन्होंने उस समय यह नहीं कहा कि मुझे स्वर्ग मिले, उन्हें यह नहीं कहा मुझे मुक्ति मिले, उन्होंने कहा जब तक मेरा देश स्वाधीन नहीं हो जाता है तब तक बार बार इस भारत भूमि पर मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो, और देश और धर्म के उद्धार के लिए मैं बार बार जन्म ले और इसी के लिए अपने आप को समर्पित करूं। इस भाव के साथ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी की सजा को गोरखपुर जेल में छोड़ने का कार्य किया था। उस पीढ़ी की वर्तमान विरासत के योद्धा आप हैं, और स्वतंत्र भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक विश्वास के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को कुछ सूत्र दिए कि अमृत महोत्सव का मतलब क्या है। देश की आजादी के 75 वर्ष होना मात्र नहीं बल्कि अमृत काल है, इसका मतलब क्या है। यह अमृत काल ऊर्जा का काल है। यह ऊर्जा विचारों की ऊर्जा, प्रेरणा की ऊर्जा, उन अमर शहीदों के त्याग और बलिदान से प्रेरणा प्राप्त करने की ऊर्जा, ये ऊर्जा नए भारत के निर्माण की ऊर्जा, ये ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की ऊर्जा। आत्मनिर्भर भारत, क्या कोई देश विदेशी नकल करके कभी स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं। अपने बल पर, अपने दम पर, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाकर, हम तकनीक का विरोध न करें, हम तकनीक को युगानुकूल करें, अपने अनुरूप बनाएं, और फिर उसकी वह हमारे हाथों से संचालित हो, हमारे अनुरूप बने, उसको अपने अनुरूप बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा हम बने, और उस व्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना आज आप देख सकते हैं। नए भारत का एक श्रेष्ठ भारत और एक भारत की परिकल्पना कैसे साकार होती गई। कोई सोचता था जब इस देश पर धारा 370 थोपी गई थी, 1952 में चोरी छिपे देश के संविधान में एक धारा चोरी छुपे डाली गई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रतिकार किया था, लेकिन उस समय कांग्रेस नेतृत्व के सामने उनकी आवाज दबा दी गई। उस समय एक आवाज निकली थी, और जो आवाज उस समय प्रखरता के साथ आगे बढ़ी थी, जिसने कहा था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, वो आवाज थी
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के पहले नेता थे जिन्होंने कश्मीर की आजादी के लिए, कश्मीर को धारा 370 से मुक्ति प्रदान करने के लिए, कश्मीर की परमिट की समस्या, परमिट सिस्टम को समाप्त करने के लिए अपने आप को बलिदान दिया था। वे बलिदान हुए थे कश्मीर, वहां पर कश्मीर में। लेकिन यह मुद्दा सदैव जीवित रहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जब अवसर मिला प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 समाप्त के लिए, सदैव के लिए समाप्त हुई। आज कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बन चुका है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मुझे याद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दशकों से पूर्वोत्तर के छात्रों को देश और इस क्षेत्र में लेकर के आता था, अलग अलग जनपद अलग अलग प्रांत में लेकर के आता था। एक भाव होता था इन लोगों को भी जोड़ा जा सके, लोग मानते थे इससे क्या होगा। हम लोगों को लगता था नहीं, इसके पीछे तत्व तो है, इसके पीछे भाव है। जो काम सरकार को करना चाहिए था, एक गैर सरकारी छात्र संगठन अपने दम पर अपने बल पर राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का समझ करके उस कार्य को कर रहा है। जब विद्यार्थी परिषद ये कार्य को करता था, हम लोगों को छात्रों से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त होता था। कभी कभी हम लोगों से कहा जाता था ये कुछ विवादित मुद्दे हैं, इन पे नहीं चर्चा करनी। लेकिन आज आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या अभाव है। कोई सोचता था, कोई सोचता था जो पूर्वोत्तर क्षेत्र अलगाववाद की चपेट में पूरी बुरी तरह घिरा हुआ था, उस असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी वह भाव कहां मिला? और आज पूर्वोत्तर का भारत, जिसके बारे में कोई कहता था कि क्या यह भारत का हिस्सा रह पाएगा, आज वहां पर भारत के प्रति जो भाव है, सम्मान का भाव है। अरुणाचल प्रदेश में आप जाइए, वहां के प्रत्येक नागरिक से कोई मिलता है तो उसका संबोधन क्या होता है? जय हिंद का। परस्पर वार्तालाप में भी जब वह अपना शिष्टाचार निभाते हैं तो जय हिंद के साथ निभाते हैं। पूर्वोत्तर का सबसे अंतिम कोने पर भारत की सीमा और सीमा पर खड़ा एक प्रांत, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होगा, लेकिन इसका संबोधन, ये भाव अगर वहां पर आया है भारत और भारतीयता के प्रति, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से बताता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं गलत नहीं था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिन मुद्दों के लिए कार्य कर रहा था उसको लेकर के निरंतर आगे बढ़ा, आज उसका परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिला है। कोई सोचता था 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ, अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन जब प्रारंभ हुआ लोग कहते थे क्या इस सपना साकार हो पाएगा, कोई नहीं कहता था, देश और दुनिया की कोई ताकत कहती, सब कहते थे अरे बेफजूल की बात है, सब लड़ने, सब केवल फालतू की बात कर रहे हैं। लेकिन वह सपना भी आज साकार हुआ, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। जो असंभव माना जाता था, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से वे कार्य भी संपन्न हुए हैं। कोई मानता था योग की विधा को दुनिया में वैश्विक मान्यता मिलेगी, योग 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है, कुंभ की विरासत हजारों वर्षों की विरासत थी, आज कुंभ यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको मान्यता दे दी गई। कोई इन बातों को कभी विश्वास करता था कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम? मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे बताया था कि गांधी जी 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में आए थे, और उद्घाटन समारोह के दौरान
उनको काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां की तंग गलियों को और उन गलियों में व्याप्त गंदगी को देख करके बहुत तीखी टिप्पणी महात्मा गांधी ने की थी। उस समय राष्ट्रपिता का संबोधन उनको नहीं मिला था, नए भारत की राजनीति में नए नए आए थे और उस समय उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। इतनी तीखी टिप्पणी की थी अगर महात्मा गांधी जी के उस ऑडियो को आप सुनेंगे आपको भी लगता होगा कि क्या वास्तव में काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर इस प्रकार की तंग गलियों और गंदगी से भरा पड़ा रहा होगा। उस समय काशी की आबादी इतनी ज्यादा नहीं रही होगी लेकिन गंदगी तब भी थी, अव्यवस्था थी, मक्खियां भिनभिना रही थी, तंग गलियां थी। याद करिए 100 वर्ष पहले 1916 में। लेकिन आज आप चाहिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी खुश हो रहे होंगे कि जो बात मैं उस समय बोलता था प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस परिकल्पना को साकार कर दिया काशी विश्वनाथ। और याद रखना दो चीजें, कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होती है। प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, संगम पे डुबकी लगाते हैं लेकिन संगम के प्रति आस्था तो व्यक्त करते हैं लेकिन स्वच्छ कुंभ की सार्थकता को साकार करने वाले स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन का कार्य करते हैं। क्या देश के किसी प्रधानमंत्री को कभी ये कार्य करते हुए देखा था? कभी हो पाया था? गरीबों के लिए, गरीबों के नाम पर सत्ता हत्याने वाले, गरीबी हटाने के नाम पर सत्ता हत्याने वाले तमाम लोग आए होंगे लेकिन एक सफाई कर्मियों के बाद पांव साफ करने वाले, प्रक्षालन करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में आस्था का भी सम्मान किया लेकिन साथ साथ उस आस्था को आम जनमानस की आस्था के साथ जोड़े रखने में जिन्होंने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया था उन स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन करके उन्होंने सब उस सेवा को सम्मान देने का काम वहां पर किया था। और काशी में आए तो काशी में गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद भगवान शिव का अभिषेक किया, शिव की पूजा की, आस्था व्यक्त की, देश की आस्था को सम्मान दिया लेकिन आस्था को सम्मान देने वाले उन श्रमिकों को ऊपर पुष्प वर्षा करके उन्हें भी सम्मानित करने का काम किया। क्या इस देश ने कभी देखा? यही तो नया भारत है और इस नए भारत में हम सबको अपनी इस भूमिका के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए बढ़ना है क्योंकि दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। पूरी दुनिया पिछले 20-22 महीनों से एक महामारी का सामना कर रही है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। नेतृत्व कैसे होता है इस बात पर निर्भर करता है। आप याद करिए महाभारत में सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के सामने युधिष्ठिर गए और उस समय उन्होंने कुछ जिज्ञासाएं की कि राज्य का संचालन कैसे होना चाहिए, उसका कारण क्या है। और उस समय तब भीष्म पितामह ने कहा था राजा कालस्य कारणम्, राजा परिस्थिति का दास नहीं हो सकता है। वह शासक शासक नहीं जो परिस्थितियों के सामने घुटना टेक ले, सच्चा शासक वह जो परिस्थितियों को अपने अनुरूप मोड़ दे और देश के अंदर अविश्वास, अव्यवस्था, असुरक्षा के वातावरण को विश्वास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबन की ओर बदलने का कार्य वर्तमान नेतृत्व ने किया है। आप सबके सामने, पूरे देश के सामने उदाहरण सबके सामने है कैसे विश्वास में बदल दिया पूरे देश को, कैसे आत्मनिर्भरता की ओर कर दिया गया भारत को, कैसे कोरोना कालखंड में कोरोना भारत की आबादी 135 करोड़ भारत। और भाइयों बहनों
आप देख सकते हैं 135 करोड़ की आबादी भारत की और अमेरिका की आबादी कितनी है 35 करोड़। भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुना बड़ी है। अमेरिका का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भारत से कई गुना अच्छा है, लेकिन कोरोना में मौतें भारत के अंदर कुल 4 लाख के आसपास हुई है और अमेरिका में 6.5 लाख से ज्यादा हुई है। भारत से 1.5 गुना से अधिक मौतें अमेरिका के अंदर हुई है। यद्यपि ये मौतों को गिनने या उससे तुलनात्मक अध्ययन करने नहीं, एक योग्य शासक के उन गुणों को हम सबके सामने बताता है। कैसे? जब शासक जनता की पीड़ा के साथ अपनी पीड़ा को जोड़ता है, जनता की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ता है, उनके सुख दुख के साथ स्वयं खड़ा होता है, प्रत्यक्ष और मूर्त रूप से खड़ा होता है, तो समस्या फिर समस्या नहीं रह जाती है। और भारत उस यशस्वी नेतृत्व में जब आगे बढ़ा तो कोरोना प्रबंधन भी उसी रूप में भारत के अंदर देखने को मिला। लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना के सामने पस्त हो गई, लेकिन भारत कोरोना प्रबंधन में न केवल दुनिया के देशों का बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और दुनिया के उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सराहना को भी प्राप्त किया है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन उदाहरण देश ने प्रस्तुत किया और आज वह कार्य हम भी कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में। कोरोना कालखंड में इस देश ने अपनी एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बार बार चिल्लाता था, बार बार कहता था शिक्षा नीति हमारी कैसी होनी चाहिए। उस शिक्षा नीति के उस भाव को प्रस्तुत करने का कार्य भी अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दायित्व तो बनता है कि वह अपने अपने संस्थाओं में इसके मसौदे को चर्चा का विषय बनाए, डिबेट का विषय बनाए, इसके अच्छे मुद्दों को लेकर के फिर अपने कॉलेजेस में छात्रों के अलग अलग समूह के साथ बैठे और प्रभावी ढंग से इसको लागू करने के कार्य के साथ अगर जुड़ता है तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी योगदान देगा और भारत को फिर से शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में भी इसकी बड़ी भूमिका होगी और इस दिशा में एक प्रयास। दूसरा, हम लोग एक राजनीतिक और राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करें, लेकिन सरकार के द्वारा अच्छे कार्य क्या किए गए हैं इसकी जानकारी होनी भी हमें आवश्यक है, क्योंकि युवाओं के लिए और छात्रों के लिए शासन के द्वारा जो घोषित योजनाएं हैं अगर उनकी जानकारी हमें नहीं होगी तो फिर हम उस जीवन संग्राम में पिछड़ जाएंगे। और मैं इसका भाव देखता हूं, मुझे याद है 2018 में मैंने प्रदेश के एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए कुछ छात्रों को बुलाया बातचीत करने के लिए। 22 छात्र आए थे, उन्होंने अपना बीटेक पूरा किया था और वे लोग मेरे पास आए थे। मैंने उनसे बातचीत प्रारंभ की, मैंने उनसे पूछा कि वे आप किस प्रकार की फैमिली बैकग्राउंड से हैं, आपने अपनी अपना एजुकेशन पूरा किया है, अब आप क्या करना चाहते हैं, आगे आप क्या बनना चाहते हैं। अब आश्चर्य करेंगे, 22 में से 16 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझसे कहा कि हम अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं। टेक्निकल बैकग्राउंड था, टेक्नोक्रेट थे, तो अपना स्टार्टअप स्थापित करने में उनके लिए कोई कठिनाई नहीं थी। जो 6 बच्चे बचे थे उनमें से 2 ने कहा कि हम मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे और उनको वहां पर उनको पैकेज भी मिल गया था। 2 ने कहा कि साहब हमारा कारोबार पहले से चल रहा है, हम उसमें कार्य कर रहे हैं, और 2 ने कहा कि साहब हम सरकारी नौकरी करेंगे। यानी सरकारी नौकरी के लिए 22 में से केवल 2 मिले थे। 2 को परंपरागत कारोबार था, 2 मल्टीनेशनल कंपनी में चले गए। 16 ने कहा कि साहब हम अपना स्टार्टअप स्थापित करेंगे। तो मेरी जिज्ञासा का विषय वो 16 बच्चे थे जो स्टार्टअप अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते थे। तो मैंने उनसे पूछा, अलग अलग
तक उसमें किसी का सॉलिड वेस्ट में था, किसी का लिक्विड वेस्ट में काम करने की कोई इच्छुक थे, कुछ लोग एनर्जी इफिशियंसी के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक थे, अलग अलग उसमें काम करने के इच्छुक थे। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, समस्या क्या है? बहुत छोटी पूंजी की आवश्यकता उनमें सभी को थी। तो मैंने कहा समस्या क्या है फिर? मैंने कहा इस संबंध में तो पहले से योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की योजना भी है, प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना भी है, फिर आपको इस समस्या क्या है? इनमें से आप देखें ना, अपने अनुकूल किसी योजना को लीजिए और उसके साथ जुड़िए। उन छात्रों के अंदर प्रतिभा थी लेकिन शासन की योजनाओं की जानकारी उनको नहीं थी। अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर के और फिर छात्रों के समूह के सामने इन योजनाओं पर चर्चा करता है तो वह समूह आपके साथ स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तीनों कैटेगरी को लेकर के, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना को लेकर के, उत्तर प्रदेश की वन जनपद एक उत्पाद की योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, आज देश की सबसे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे लोकप्रिय योजना है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में को इसने एक्सपोर्ट के हब के रूप में स्थापित किया है और कोरोना के बावजूद उत्तर प्रदेश से हम इस योजना के माध्यम से 1,21,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष एक्साम जो यहां के प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी दुनिया के देशों में इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए कोई कल्पना करता था, लेकिन ये साकार हो रहा है। लोग कहते थे कैसे? हमने मैपिंग कराई, मैं गया था दुनिया के तमाम देशों से चर्चा परिचर्चा होती थी, वहां के राजदूत आते थे, मुझे भी बीच में कुछ देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो दुनिया के एक देश में एक योजना चलती थी, उनके आप प्रोविंस थे, प्रांत थे, छोटे छोटे प्रांत थे, इतनी बड़ी आबादी नहीं थी। तो उन्होंने एक योजना चलाई थी और मैंने उसी योजना को वहां से लिया, फिर मैंने यहां पे एक योजना बनाई। मैंने कहा क्या हम इसको जिला स्तर पर कर सकते हैं? एक मैपिंग कराई, एक सर्वे कराई, एक टीम को मैंने लगाया। टीम ने मेरे पास एक महीने के बाद परिणाम दिया। उसने कहा साहब 57 जिले यूपी के ऐसे हैं, 75 वैसे, जिन 57 जनपदों में उनकी यूनिक प्रोडक्ट है। जैसे उन्होंने कहा कि वाराणसी की साड़ी, भदोही की कालीन, मुरादाबाद का पीतल का आइटम, मेरठ की स्पोर्ट्स आइटम, खुर्जा की क्राकरी, कन्नौज का इत्र, फिरोजाबाद का ग्लास का आइटम, यानी 57 जिले ऐसे थे। शेष जो 18 जनपद थे, मैंने कहा इनके लिए भी कुछ देखो। और फिर एक एक जनपद के साथ आप देखिए, मात्र एक महीने की एक्सरसाइज ने कैसे कैसे चीजें थी। कोई किसी को मालूम है ये बांसुरी जो बस्ती है देश और दुनिया में, इसको कहां बनाया जाता है? उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जनपद में। बांसुरी कहीं भी बस्ती होगी उसका निर्माण होता है पीलीभीत जनपद में। ये ढोलक और तबला जितने बजते हैं इसका निर्माण कहां होता है? उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने के जितने बल्ला होते हैं ये सब कहां बनते हैं? मेरठ में। पीतल के आइटम जितनी बनती हैं दुनिया के अंदर वो सब मुरादाबाद में बनती हैं। अलग विषय है कि बाद में कोई देश या कोई कंपनी उस पर अपना ठप्पा मार ले। कालीन का सबसे अच्छा कार्य आज भी होता है तो भदोही में होता है। और फिर उस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। गोरखपुर की बात आई तो मैंने गोरखपुर के लिए कहा कि भाई गोरखपुर में यहां पर क्या करेंगे लोग, तो यहां पे हम लोगों ने टेराकोटा को लिया। लोग कहते थे टेराकोटा से क्या होगा? मैंने कहा टेराकोटा सबसे अच्छा आइटम साबित होगा। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा टेराकोटा की आइटम से हम चीन को पछाड़ेंगे।
लोगों ने कहा कैसे पछाड़ेंगे, मैंने कहा अभी देखना। हम लोगों ने प्लास्टिक बैन किया, प्रदेश के प्रजापति समुदाय कुम्हारों को हम लोगों ने कहा कि अप्रैल से जून तक आपको मिट्टी फ्री, आप जितनी मिट्टी निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। हमें दो फायदे हुए, हमें फ्री में तालाब जल संरक्षण के लिए मिल गए, उनको फ्री में मिट्टी मिल गई। फिर हमने उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम करवाया, मैंने कहा भी आपके पास मैनुअल चाक है, हम आपको इलेक्ट्रिक या सोलर चाक दे देंगे। शर्त एक कि पहले आप 60 से 75 बर्तन बनाते थे, अब 350 से 400 बर्तन बनाएंगे एक दिन में, मिट्टी फ्री, तो आपको लागत कम करनी पड़ेगी। और इस लागत को इतना कम करिए कि थर्माकोल और प्लास्टिक के कप और गिलास का स्थान ले ले। आज आप देखते होंगे मिट्टी के बर्तन आपको जगह जगह देखते हुए मिल जाएंगे। हमें जब अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम को करना था, तो दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए पूरे प्रदेश से मुझे 51,000 दीप मंगाने, पूरे प्रदेश से मंगाने पड़े थे। और इस वर्ष हमने दीपोत्सव का कार्यक्रम किया था, तो दीपोत्सव के कार्यक्रम में 12,00,000 दीप जो बने थे वो अयोध्या में ही वहां के प्रजापति समुदाय के लोगों ने बनाए थे। गोरखपुर का टेराकोटा के कार्य वाले जो लोग थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, ये पिछले वर्ष लखनऊ में आयोजित एक एग्जीबिशन में आए थे, इन्होंने मिलने का समय मांगा मुझसे, मैंने बुलाया, वो मेरे लिए एक दीपक स्टैंड लेके आए थे। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा भी आप लोगों की कोई बिक्री हुई? उन्होंने कहा हाँ साहब बिक्री हुई है। कितने की बिक्री हुई है? तो उन्होंने कहा ये आइटम आप आपके लिए लेके आए हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे बताओ कितने की बिक्री? उन्होंने कहा 8,00,000 की। मैंने कहा कितने दिन में? कहा कि साहब ये हमारी मात्र 3 दिन में 8,00,000 की बिक्री हुई है, आप अनुमान कर सकते हैं। मैंने कहा 8,00,000 इससे पहले कभी कमाए हैं? कहा नहीं, पहली बार कमाए हैं। तो मैंने कहा ये दीपक क्यों, ये इसको स्टैंड कितने, इसकी कीमत क्या है? उन्होंने कहा 25,000 रुपये। तो मैंने कहा मुझे क्यों फ्री में दे रहे हो फिर? यानी वो मुझे लेकर मेरे लिए लेकर के आए। मैंने कहा भैया देखो जितना आपकी लागत आई है उतना पैसा लेंगे तो मैं रहूंगा, नहीं तो आप इसको फिर आपको मार्केट में बेचिए, इसको भी कोई लेके जाएगा, इसको भी आप देख सकते हैं। जिसकी कोई कीमत नहीं थी उसकी कीमत मिली, और उससे ज्यादा कीमत कब मिली? जब दीपावली के अवसर पर घर घर में पूजी जाने वाली लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को जो चीन से आती थी, जब इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, हमारे कारीगरों ने बनाना प्रारंभ कर दिया घर घर में लक्ष्मी गणेश, भारत के ही कारीगरों का, उत्तर प्रदेश के ही कारीगरों के माध्यम द्वारा बनाई जाने वाली वो प्रतिमा घर घर में पहुंच गई। हमारी ही माटी हमारे घर में पूजी जाएगी, और उस परिकल्पना को साकार किया है एक जनपद एक उत्पाद की उत्तर प्रदेश शासन की योजना ने। हम लोग इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लें और उनकी जानकारी के बारे में फिर लोगों को बताएं। देश के अंदर बहुत सारी चर्चाएं होती है, बालिकाओं पर होने वाले अत्याचार, भ्रूण हत्या के मामले और तमाम मामले। अगर हम विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं तो हमें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जानकारी होनी चाहिए। एक बालिका के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 15,000 रुपये का एक पैकेज उस बालिका को उपलब्ध कराती है, और शर्तों के साथ जोड़ करके, ये केवल खैरात नहीं है, शर्तों के साथ जोड़ करके बालिका का जन्म होगा रजिस्ट्रेशन के साथ हम उस बालिका के खाते में पैसा उपलब्ध करवाते हैं। बालिका 1 वर्ष की होगी और सर्टिफिकेट आएगा पहले कि क्या सभी प्रकार के टीके उस बालिका को लगा दिए गए हैं, अगर लगाए गए हैं फिर पैसा उस बालिका के नाम पर खाते में चला जाता है। बालिका पांच वर्ष की हुई और पहली क्लास में एडमिशन लिया तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही उस बालिका के खाते में पैसा चला जाता है। बालिका 6ठी क्लास में गई, रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके अकाउंट में पैसा। 9वीं क्लास में गई, उसके अकाउंट में पैसा।
बारहवीं क्लास में गई, बारहवीं पास किया, कोई डिप्लोमा कोर्स, कोई सर्टिफिकेट कोर्स या ग्रेजुएशन करना चाहती है, फिर पैसा उसके अकाउंट में जाता है। कुल 15,000 रुपए अलग अलग उसमें अलग अलग किस्तों में उन बालिकाओं के खाते में जाता है और उस बालिका को हम फ्री एजुकेशन की किस्त से भी जोड़ रहे हैं। अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे? तमाम ऐसी योजनाएं जिन योजनाओं की जानकारी हम सबको होनी चाहिए और उन योजनाओं पर डिबेट करना, उन योजनाओं के बारे में बताना, चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना, एक सार्थक और सकारात्मक पहल को आगे बढ़ा देना, अगर इन कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ेंगे, शासन से जुड़ी हुई सकारात्मक योजनाओं को अगर आगे बढ़ाने में हम योगदान देते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ेगा और समाज फिर उस दिशा से आपके प्रति भी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तमाम चुनौतीपूर्ण कार्य किए हैं और चुनौतीपूर्ण उन कार्यों का सामना करते हुए आज उसका परिणाम है कि केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी मजबूती के साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज संघर्ष का नहीं बल्कि सुशासन के उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक युवा की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका के लिए अपने युवाओं को तैयार करना और उस भूमिका के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को स्वयं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर अपने आप को उस रूप में आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना होगा। आपका यह त्रिदिवसीय सम्मेलन इस दिशा में अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़ा रहा और इन रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए उन सभी प्रोग्राम को आप अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ आपके इस पूरे आयोजन के लिए मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने में, भारत के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।